मेरे पास हाल ही में अभी एक कमेंट आया है जहां पर लिखा है, हाय सर, आई वांट टू गाइडेंस फॉर यू। आई एम सिलेक्टेड इन अ मेगा ऑडिशन फॉर द टेलीविजन रियलिटी शो इंडियाज टैलेंट 5 सीजन 3। नाउ द नेक्स्ट राउंड विल बी टेलीविजन राउंड एंड फॉर दैट दे रिक्वायर्ड सम अमाउंट फॉर 1 ईयर प्रमोशनल कॉन्ट्रैक्ट। ये सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, इसी के ऊपर हम बात करेंगे। आई थिंक वो ये कहना चाहती हैं, 1 साल के लिए प्रमोशनल कॉन्ट्रैक्ट के लिए उनको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा। आई वांट एडवाइस कि क्या ये शो सही है और क्या जो ये अमाउंट मांग रहे हैं वो जस्टिफाई है या फिर नहीं। प्लीज चेक अबाउट दिस। इस वीडियो के अंदर हम ये बात नहीं करेंगे कि ये शो कैसा है, क्योंकि मैं जानता नहीं उस शो के बारे में। अभी अगर मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन एक सिंपल सी बात है जो आपके सामने जरूर रखूंगा, कोई भी शो हो, चाहे वो सिंगिंग शो हो, डांसिंग शो हो, रियलिटी शो हो, वो एक कंटेस्टेंट से या जो ऑडिशन दे रहे हैं उससे पैसे की डिमांड जब करता है, जब उसके पास स्पॉन्सर्स नहीं होते, उसको अदर कहीं से पैसा नहीं आ रहा। टीवी पर जितने भी शोज आते हैं, जिस भी चैनल पे आते हैं, उनको कोई ना कोई बड़ा स्पॉन्सर मिल जाता है। जैसे अगर हम इंडियन आइडल की बात करें तो स्टार्टिंग में कोलगेट ने स्पॉन्सर किया था, अभी मुझे नहीं पता कौन स्पॉन्सर कर रहा है। और वहीं उनको स्पॉन्सर करते हैं जो बड़ी बड़ी मूवीज आती हैं, जो एक्टर एक्ट्रेस आते हैं वो कहीं ना कहीं पैसे देते हैं इस चीज़ के लिए कि आप हमारी मूवी को प्रमोट करो अपने शो के अंदर। तो इस तरह से उनका काम चल जाता है। लेकिन जो शो काफ़ी छोटे लेवल पे हैं, जो अभी टेलीविजन पे भी नहीं आए, उनको कोई स्पॉन्सर बड़े मिलते नहीं हैं, बहुत ही कम स्पॉन्सर्स मिलते हैं, जिसकी वजह से उनको ये कदम उठाना पड़ता है कि जो कंटेस्टेंट्स होते हैं, जो शोज में आते हैं, उनसे पैसे की डिमांड करनी होती है। लेकिन जो सवाल है वो ये नहीं है कि आपको फिर इन शोज के अंदर जाना चाहिए या नहीं, आपको पैसे देने चाहिए या नहीं, बात यहाँ पर नहीं है। बात ये है कि अगर आप किसी शो में जा रहे हैं और अगर उस शो का प्राइस ये है, मैं छोटे शोज की बात कर रहा हूँ जहाँ पर कंटेस्टेंट से पैसे लिए जाते हैं, ऑडिशन के टाइम पर पैसे लिए जाते हैं, किसी भी एक्टिविटी को लेकर पैसे लिए जाते हैं, मैं उन शोज की बात कर रहा हूँ। सवाल यही है कि इन शोज में अगर आपको लगता है कि कुछ वैल्यू मुझे ऐड होगी मेरे जीवन में, यानी कि मैं जो पैसा इधर इन्वेस्ट करूँगा वो मेरे लिए काम आएगा, तब आप जरूर जा सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं है, ना मेरी फैन फॉलोइंग इंक्रीज़ होगी, ना मेरा कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा, ना ही मुझे कोई बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी इस शो में जाने के बाद, तो फिर अपना टाइम और अपना पैसा मत वेस्ट कीजिए, मैं ये चीज़ मानता हूँ। दूसरा गाइज, आप ये भी थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 4 जजेस को ले आए कहीं से भी, किसी को भी उठा लाओ और बैठा दो, उसके बाद ऑडिशंस लेना स्टार्ट कर दो, जो भी ऑडिशंस देने आ रहा है उससे पैसे लो, तो आपका पैसा बन गया है। उसके बाद उसी पैसे से एक स्टेज तैयार करो, जिन लोगों ने पैसा दिया उनका आपस में कॉम्पिटिशन करा दो, और जो लास्ट में जीतता है उसी पैसे में से कुछ अमाउंट उसको दे दो। तो इसमें हुआ क्या, कुछ भी बड़ा बिजनेस मॉडल नहीं है, आसानी से इसको कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही है, जो लोग ऑडिशन देने आएंगे उनका लॉस होगा, प्रॉफिट होगा। अगर लॉस हो रहा है उनका, किसी भी तरह का कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा उनके अंदर, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे बहुत सारे शोज आते हैं, बहुत सारे शोज जाते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर मैं जो टेलीविज़न पर जो शोज आते हैं उनकी बात करूँ, तो इन शोज में ये फ़ायदा हो जाता है कि आपको एक तो बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग मिल जाती है, आपके इंस्टाग्राम पेज पे लाइक्स बढ़ने लगते हैं, लोग आपको जानने लगते हैं। और जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा है वो यही है कि आपके सीधे कॉन्टैक्ट टेलीविज़न इंडस्ट्री से हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं आपको फिर काम मिलना स्टार्ट ही हो जाता है। तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा यही है, दूसरे चैनल्स पर जो शोज आते हैं, जैसे सिंगिंग शो है, अगर मैं पवनदीप की बात करूं, पहले वो द वॉइस पे गए थे, उसके बाद वो इंडियन आइडल में गए थे, उसके बाद वो शायद सुपरस्टार सिंगर के अंदर गए थे, तो उन्होंने 3 शोज कर लिए बैक टू बैक। क्यों? क्योंकि वो टेलीविज़न स्क्रीन का उन्होंने पहला शो किया था, तो ये फ़ायदा हो जाता है टेलीविज़न स्क्रीन पे। रेदर देन अगर हम बात करें उन शोज की जो टेलीविज़न पे नहीं आते, सिर्फ सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, इन पे रहते हैं, तो थोड़ा आपको उधर रिसर्च के साथ ही जाना चाहिए। बाकी आप मुझे बता सकते हैं कि आप किस शोज के बारे में जानना चाहते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसके बारे में जो मुझे पता चलेगा ऑफिशियली वो आपके सामने रखूंगा। वहीं गाइज, इस चीज़ का ध्यान रखिए, बाकी पैसा और टाइम बहुत ही वैल्यूबल होता है, सही जगह पे खर्च करोगे तो बढ़ेगा, नहीं करोगे तो फिर बर्बाद ही हो जाओगे। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।